नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा, तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। टू लेन के हाईवे फोर लेन में और फोर लेन के हाईवे सिक्स लेन में बदले जा रहे हैं। 9 साल पहले जहां तेलंगाना का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2500 किलोमीटर का था, आज ये बढ़कर 5000 किलोमीटर हो चुका है। आज तेलंगाना में 2500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माण के अलग अलग फेजेस में है। भारतमाला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। साथियों, आज नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्शन का भी शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है। इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी कमी आएगी। ये विशेष रूप से उन एरियाज से गुजरता है जहां विकास का अभाव था, जहां हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा। करीमनगर वारंगल सेक्शन के फोर लेन में बदलने से हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल एसईजेड की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। साथियों, भारत सरकार आज तेलंगाना में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, उसका लाभ तेलंगाना की इंडस्ट्री को हो रहा है, यहां के टूरिज्म को हो रहा है। तेलंगाना में जो अनेक हेरिटेज सेंटर्स है, आस्था के स्थान है, वहां आना जाना अब और अधिक सुविधाजनक हो रहा है। यहां जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्योग हैं, करीमनगर की ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है। यानी किसान हो या फिर श्रमिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, सभी को इसका लाभ हो रहा है। इससे युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। साथियों, युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है, मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9 वर्ष पहले 1000 करोड़ से भी कम था, आज ये 16000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी हो रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी
मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे, इससे एक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे, यहां के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। विकास के इस मंत्र पर तेलंगाना को हमें आगे बढ़ाना है। एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रगतिशील कार्यक्रमों के लिए, आयोजनों के लिए, विकास की नई धारा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी और सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मिशन तेलंगाना पर है प्रधानमंत्री मोदी और कई परियोजनाओं की सौगात भी आज तेलंगाना वासियों को दी है। मिशन 2024 आने वाले समय में चुनाव होने हैं और इसलिए काफी अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा माना जा रहा है।